भोजपुरी फिल्मों के स्टार कलाकार पवन सिंह ने आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पवन सिंह को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया था। पवन सिंह सोमवार को दिल्ली पहुंचे और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। यह मुलाकात करीब एक घंटे तक चली। इस बैठक के बाद पवन सिंह जब बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे आसनसोल से चुनाव न लड़ने को लेकर कई सवाल पूछे। पवन सिंह ने जेपी नड्डा से हुई बातचीत और मुलाकात का कोई ब्यौरा नहीं दिया और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होगा वह अच्छा होगा। जिससे हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है, आगे जो भी होगा अच्छा होगा। चुनाव लड़ेंगे कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे, अभी थोड़ा होल्ड रखें। क्या कारण रहा कि आपको वहाँ से हटना पड़ा? क्या आपने जो गाने गए थे बंगाल को लेकर गाने गए थे उसका कारण रहा आपको हटना पड़ा? बीजेपी ने 2 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। इसी लिस्ट में बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था। पवन सिंह ने आसनसोल से टिकट दिए जाने पर बीजेपी नेतृत्व का आभार भी जताया और उनके समर्थकों में खुशी की लहर थी। लेकिन जैसे ही पवन सिंह के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही विपक्षी नेताओं ने उनके कुछ पुराने गानों को लेकर उन पर हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर टीएमसी नेता साकेत गोखले और बाबुल सुप्रियो तक ने पवन सिंह की उम्मीदवारी को लेकर उन्हें घेरना शुरू कर दिया। पवन सिंह पर महिला विरोधी गीत गाने और बंगाल की महिलाओं के प्रति अश्लील नजरिया रखने के आरोप लगने लगे। आसनसोल के पूर्व बीजेपी सांसद और अब टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने पवन सिंह की उम्मीदवारी को लेकर एक्स पर एक पोस्ट लिखा। आसनसोल को पवन सिंह मुबारक। एक कलाकार के तौर पर उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके गीतों के पोस्टर देखने से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। पवन सिंह की उम्मीदवारी से साफ है कि बीजेपी बंगाल और यहाँ की महिलाओं के बारे में क्या सोचती है। दरअसल पवन सिंह के गाने में बंगाल की महिलाओं के लिए विवादित बोल हैं। इस पर पहले भी विवाद हो चुका है। पवन सिंह की उम्मीदवारी को टीएमसी ने महिला सम्मान से जोड़कर इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और पवन सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने की भी योजना थी। लिहाजा अपनी उम्मीदवारी पर विवाद बढ़ता देख अगले दिन पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर आसनसोल से चुनाव न लड़ने के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल से उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। ऐसे में माना जा रहा है कि पवन सिंह का आसनसोल से चुनाव न लड़ने की एक बड़ी वजह महिलाओं पर गाए गए उनके आपत्तिजनक गाने हैं। आसनसोल से वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं। आसनसोल सीट से 2019 में प्लेबैक सिंगर बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में वो बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उपचुनाव में इस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में यहां 2 कलाकारों के बीच मुकाबला होने की उम्मीद थी, लेकिन पवन सिंह के इनकार के बाद इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अब देखना होगा कि जेपी नड्डा से पवन सिंह की मुलाकात के बाद आसनसोल को लेकर बीजेपी क्या कदम उठाती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।